इट्स अ क्रिसमस मॉर्निंग, सो मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। अभी मैं ऑब्वियसली, मुझे देख के आपको लग नहीं रहा होगा कि क्रिसमस मूड में मैं हूँ, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग गोइंग ऑन एट माई हाउस होल्ड। कभी अगर टाइम मिले तो मैं बताऊंगी, बट इट्स अ सुपर बिजी डे फॉर अस। वी हैव सम प्लान्स फॉर इवनिंग, लेट्स सी क्या होता है। अभी मैं नीचे जा रही हूँ, वी हैव अ लिटिल क्लब हाउस देयर, तो वहाँ थोड़ा काम है। अच्छा, बाहर ना बहुत अच्छा धूप निकला है एंड आज का दिन बहुत ही अच्छा है। सो आई थिंक फॉर दोज हु आर एक्चुअली सेलिब्रेटिंग क्रिसमस, उनके लिए तो आज का दिन काफ़ी अच्छा है। चलिए मैं आपको भी मेरे साथ लेके चलती हूँ बाहर। अच्छा, मैंने ना आपको कभी मेरा सोसाइटी घुमा के नहीं दिखाया। इस व्लॉगमास में मेरा मन था कि एक व्लॉग मैं इसके ऊपर बनाऊं ऑन यू नो माय सोसाइटी, हाउ इट लुक्स, बिकॉज इट इज़ वेरी प्रिटी, बट मुझे हुआ नहीं, मतलब उतना मैं कर नहीं पाई। बट आई एम थिंकिंग ऑफ एक्चुअली मेकिंग अ डेडिकेटेड ब्लॉग। बट ये जो आप पीछे देख रहे हो ना, दिस इज़ माई क्लब हाउस एंड उसके पीछे एक्चुअली दिस ग्रीनरी इज़ देयर एंड दूसरे तरफ है मेरा अपार्टमेंट एंड पीछे जो वो बाकी अपार्टमेंट आपको दिख रहा है ना, वो एक्चुअली सेकेंड फेज है। तो इस सोसाइटी में ना 3 फेज है, तो हमारा है जो वो फर्स्ट फेज, हम लोगों को डिलीवरी पहले मिली थी। तो चलिए अभी घर चलते हैं, मेरा काम तो नहीं हुआ। आज ना बहुत लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आए हुए हैं। तो सोसाइटी में बहुत जगह एक्चुअली पीपल आर सेलिब्रेटिंग। आज शायद सोसाइटी में भी कुछ होने वाला है। 2 hours later। हे गाइस, अभी मैं 3 घंटे बाद आपको मिल रही हूँ। मैं हूँ हॉस्पिटल में, फिर से हॉस्पिटल आना पड़ा, बट देर आर सम रीज़न, डोंट वरी, नथिंग टू वरी अबाउट। देर आर सम रीज़न, कुछ चेकअप था, हम लोगों को आना ही पड़ा। मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू हु आर सेलिब्रेटिंग। कौन सा स्ट्रॉन्ग है? ये वाला स्ट्रॉन्ग है और ये नॉर्मल है। इसमें भी शुगर है ना? हाँ, 20 है ना। हे गाइस, तो अभी बज रहा होगा 7 o'clock एंड अभी मैं ये व्लॉग खत्म करने वाली हूँ एंड विद दिस वी आर एट दिस एंड ऑफ द व्लॉग एंड ऑल्सो एंड ऑफ व्लॉगमास सीरीज। गाइज, आई कांट बिलीव दैट वी आर एक्चुअली एंड ऑफ द व्लॉगमास सीरीज। टुडे इज 25th of December, सो आई मीन मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू हु आर सेलिब्रेटिंग। आई एम प्रीटी मच श्योर ऑल ऑफ यू आर सेलिब्रेटिंग, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता है कि आज मैं ये व्लॉग डाल पाऊंगी। मुझे एडिट करने में थोड़ा सा तो टाइम लगता ही है, बट उसके पीछे भी जेन्युइन रीजन है। मैंने सोचा था कुछ अलग तरीके से मैं अपने व्लॉग को एंड करूंगी, बट वो हुआ नहीं क्योंकि आज भी मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो अगर आपने कल का व्लॉग देखा होगा, ये वाला व्लॉग अगर आपने देखा होगा, तो आपको पता है कि कल भी हमने कुछ टाइम हॉस्पिटल में स्पेंड किया था। आज भी जाना पड़ा बिकॉज द रिपोर्ट्स एंड एवरीथिंग वी हैड टू गेट। नो इमरजेंसी, नथिंग टू वरी अबाउट, बट कुछ प्रायोरिटीज होता है जो आपको करना पड़ता है, राइट? नाउ सिंस दिस इज द लास्ट व्लॉग ऑफ आवर व्लॉगमास सीरीज, लेट मी शेयर माई एक्सपीरियंस। कैसा था मेरा एक्सपीरियंस? तो हर एक रोज आप जब वीडियो अपलोड करते हो, देयर आर फ्यू प्लस एंड माइनस पॉइंट्स, ओके? तो माइनस पॉइंट ये हुआ कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा था. ऑब्वियसली इट टेक्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एफर्ट टू डेली अपलोड. आप अगर डेली अपलोड करते हो तो उसके पीछे बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, बहुत ज्यादा प्लानिंग लगती है. आपको हर एक रोज जो कंटेंट आपको शेयर करना होता है उसको पहले से ही आपको सोच के रखना पड़ता है. नॉट ओनली सोच के रखना पड़ता है, आपको शूट भी करना होता है, एडिट भी करना होता है, टाइम पे उसको पब्लिश भी करना होता है प्रॉपर तरीके से. तो बहुत सारा स्ट्रेस बिल्डअप हो सकता है इन दिस प्रोसेस. बट ऑन द अदर हैंड इफ यू सी द प्लस पॉइंट्स, जहां मैं एक वीडियो डाला करती थी वीक में, वहां से मैंने डेली अपलोड स्टार्ट किया. वीक में मेरा 6 से 7 तक वीडियो जा रहा था. लाइक द नंबर ऑफ वीडियोज वेर 6 to 7 एंड दैट वॉज ह्यूज फॉर मी. नॉट एवरी डे आई कुड शेयर ऑब्वियसली. मतलब वैसे मैंने पहले ही आपको बोला था, 3 दिन मैंने ट्रेवल किया था. आई वेंट टू कूर्ग एंड वहां बिल्कुल नेटवर्क नहीं रहता है, मतलब बहुत ही रिमोट लोकेशन होता है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो देयर वेर 2 more days जहां मैं अपलोड नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ माई हेक्टिक schedule. Guys, I have a IT job, okay, and that is like a full time job. बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग है, बहुत ज्यादा टाइम मुझे वहां देना पड़ता है. 2 दिन ऐसा हुआ कि मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं था कि मैं सोचूं भी YouTube के बारे में. तो वो 2 दिन तो मेरा मिस हो गया. अपार्ट फ्रॉम दीज मैंने कॉन्स्टेंटली वीडियोज अपलोड किया है, कंटिन्यूअसली इस चैनल में वीडियो गया है एंड द ग्रोथ वॉज ऑल्सो देयर. गॉट मोर सब्सक्राइबर्स, मोर व्यूज. तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ वीडियोस ज्यादा होने से ये सब होता है. बट इन सबको अगर मैं छोड़ भी देती हूँ, जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा डेली व्लॉग अपलोड करके इज दैट आई अंडरस्टूड कि मैं ये कर सकती हूँ. डेफिनेटली आई विल नाउ सी कि मैं और भी फ्रिक्वेंटली वीडियोस डाल पाऊँ. बट डेली व्लॉगिंग इज नॉट समथिंग दैट आई एम लुकिंग फॉर एट दिस मोमेंट. एंड थैंक यू फॉर बीइंग देयर फ्रॉम day 1 टिल हियर एंड एनकरेजिंग मी थ्रू आउट. तो ये जो हम लोगों का व्लॉगमास सीरीज है ना, इसमें एक गिव अवे वीडियो भी था, उसको आप देख लेना. दिस इज द लिंक, चेक जरूर कर लेना. अभी तक अगर पार्टिसिपेट नहीं किया है, प्लीज डू पार्टिसिपेट इन दैट वीडियो. आप लोगों को गिफ्ट पहुंचाने में मुझे बहुत खुशी मिलती है, सो डू पार्टिसिपेट. एंड टुडेज बेस्ट कमेंट शाउट आउट गोज टू शोमिया शुक्ला. आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम करेक्टली. एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर द लवली वर्ड्स. विद दिस वी आर एट द एंड ऑफ द व्लॉग एंड ऑल्सो एंड ऑफ दिस व्लॉगमास सीरीज. थैंक यू वंस अगेन फॉर स्टिकिंग अराउंड एंड एनकरेजिंग मी थ्रू आउट दिस जर्नी. मैं आपको मिलती हूँ बहुत ही जल्द विद अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग. Until then, you take care and bye-bye.